पेपर में बार बार रिपीट होता है या बार बार पूछा जाता है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। सो सभी बच्चे इसे बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, याद रखना है आप लोगों को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। ये बहुत ही सुंदर पक्षी है, इसका कंठ नीला, इसका कंठ कैसा होता है? नीला, तथा सिर पर कलगी होती है। इसके पंख बहुत ही सुंदर तथा कई रंगों के होते हैं। इसके रंग कई रंगों के पाए जाते हैं। हरे नीले सुनहरे पंखों पर आग के समान चकत्ते होते हैं। ध्यान से सुनना है अब आप लोगों। इसके पंखों पर आँखों की तरह क्या होते हैं? चकत्ते होते हैं, धब्बे होते हैं। मोर की सुंदरता देखकर रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, याद रखना है किसने कहा था? मोर की सुंदरता देखकर रविंद्रनाथ टैगोर ने। हे मोर, तू इसे मृत्यु लोक को स्वर्ग बनाने के लिए ही पृथ्वी पर आया है। मतलब कि तू इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाने के लिए पृथ्वी पर आया है। मोर बहुत ठंडे प्रदेश को छोड़कर प्राय सारे भारत में पाया जाता है। याद रखना है कि मोर जो है वो ठंडे प्रदेशों को छोड़कर के, कौन से प्रदेशों को? जो ठंडे होते हैं उनको छोड़कर के सारे भारत में पाया जाता है। मोर को नृत्य बहुत मनमोहक लगता है। नृत्य मतलब नाचना या डांस। तो मोर को नृत्य बहुत मनमोहक होता है। वर्षा काल में जब आकाश में काले बादल छा जाते हैं, ध्यान से सुनना है, याद रखना है कि क्या होता है जब आकाश में काले बादल छा जाते हैं, तो ये मस्त होकर नाचने लगता है। किंतु नाचते नाचते जब इसकी दृष्टि अपने पैरों पर पड़ती है तो ये रोने लगता है। क्या करने लगता है? जब इसकी निगाह इसके पैरों पर पड़ती है तो ये रोने लगता है। क्यों? क्योंकि मोर के पैर बहुत ही भद्दे होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत ही भद्दे होते हैं। मोरनी मोर के समान सुंदर नहीं होती। क्या होता है कि मोरनी मोर की तरह सुंदर नहीं होती। इसके पंख भी मोर के समान लंबे नहीं होते हैं। मोर के पंखों से पंख बनते हैं। शरद ऋतु में मोर के पंख गिर जाते हैं। कौन से ऋतु में इसके पंख गिरने लगते हैं? याद रखना है शरद ऋतु में। तब लोग इन्हें एकत्रित कर लेते हैं। एकत्रित मतलब इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। बसंत आने पर मोर के पंख पुनः निकल आते हैं। दोबारा कब निकलने शुरू हो जाते हैं मोर के पंख? बसंत आने पर। मोर सांपों का शत्रु है। मोर इनका दुश्मन है, सांपों का दुश्मन है। जहाँ मोर है वहाँ पर सांप नहीं होते। याद रखना है कि जहाँ मोर है वहाँ सांप नहीं होते। वास्तव में मोर सुंदर व उपयोगी पक्षी है। श्री कृष्ण भी अपने मुकुट पर मोर पंख लगाते थे। कौन लगाते थे अपने मुकुट पर? श्री कृष्ण। मोर के पंख को शुभ माना जाता है। किसके पंखों? मोर के पंखों।